ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा, कभी सोच कर देखा है आपने? अरे गांव वाले बुला रहे हमारे भी, जब लोग बुलाते हैं तो हम बिना जाए कैसे रहे बताओ। आपको अपनी बच्चियों की जरा भी फिक्र नहीं है? अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जी बताइए, इतनी तकलीफ काफी नहीं है क्या? देखो उन लोगों ने कैसे मारा है, उन लोगों का हाथ टूट जाए। बच्ची आपके बारे में सोच के कितना रो रही है। अगर आपको ना घर छोड़ के अभी जाना है ना, तो हमारे लाश पे से जाना होगा। सुनो ना, हमारी एक जवान बेटी है, एक लड़का भी है, अपने संसार के बारे में तो कुछ सोचो। सुनिए जी, क्यों ना हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं कहीं और जाके बस जाए। क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें, हम लोग जाकर बैंगलोर में बसते हैं, वहाँ कुछ काम कर लेंगे। हाँ बेंगलुरु शहर की जिंदगी हमारे लिए नहीं है, हम जैसे के लिए तो गाँव ही ठीक है, हम यहीं जिए और यहीं मरेंगे हम। ऐसा क्यों कह रहे, वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? वो लोग जी नहीं रहे। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या इधर इंसान नहीं जीते? देखो इंसान गांव और शहर दोनों में रहते हैं, अच्छे बुरे हालात हर जगह होते हैं। सही गलत मुझे नहीं पता, किस्मत में जो है वही होगा। हेलो, हाय सुमा, करण हियर। कल फेसबुक पे पोस्ट देखा मैंने किसान के बारे में, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। इस विषय के बारे में मुझे बात करनी थी, हम मिल सकते हैं क्या? किस टाइम, किधर आना है? मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। चलेगा। थैंक यू, सी यू। हाय सुमा। हाय। क्या लोगे आप? कॉफी। कॉफी, अरे दो कॉफी। हाँ ठीक है सर। सुमा जी, आपका अलग किस्म का नेचर है, हमारे किसान के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हो आप। ऊंच नीच देखे बिना किसान को इंसाफ दिलाने के लिए एक महान व्यक्ति जैसा काम कर रही हैं। करना ही चाहिए ना। बिल्कुल सुमा जी, आपके माँ बाप किसान है क्या? नहीं, क्यों? आपके नॉलेज को देख के लग रहा है मुझे। वैसे आपके पिताजी किसान है क्या? नहीं, मेरे चाचा जी किसान है, वो गाँव में रहते हैं, बहुत मुश्किल की जिंदगी काट रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में खड़े रहने के लिए सोच रहा हूँ। फाइन करण जी, किसान का दोस्त भगवान होता है, इस तरह के लोग महान व्यक्ति बन जाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सुमा जी। आप क्या काम करते हैं? इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर स्टूडेंट। माँ बाप? मेरे माँ बाप दोनों इंजीनियर्स हैं, लेकिन मुझे किसान बनने की ख्वाहिश है। और आपके माँ बाप? सर बिल। मैं आई कमिंग सर? यस कमिंग। थैंक यू सर। ये क्या सर, आपने न्यूज टीवी में टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? मैंने इतने विश्वास पे आपको दिया था, आपको टेलीकास्ट करना ही होगा। अरे जो होना था हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है। डोंट वरी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? ऑफ कोर्स, बट देख लेंगे, छोड़ो। अगर हम न्यूज वालों से जनता का विश्वास उड़ जाएगा तो कैसे चलेगा सर? एमडी मैं हूँ या तुम हो, किसे टेलीकास्ट करना है किसे नहीं करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत दुखी होकर पूछ रही हो, इसकी समझ मुझे है, 2 महीने पहले ज्वाइन हुई और अभी मुझे पाठ सिखाने चल क्या है सर? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। गलत नहीं है बेटी, कुछ मामलों में हमें बच कर रहना चाहिए। हाँ सर ठीक है, मैं समझ गई, आपको किसी की परवाह नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। बारिश भी नहीं, फसल भी नहीं उतरी, भगवान हमारी तकलीफ कब समझेगा। हे कृष्णा, आज्ञा कर। आ, 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 आ,
ये सही में यहाँ आया है या मुझे दिखाई दे रहा है? भाग्या? हाँ भाग्या, बचाओ भाग्या, बचाओ भाग्या, 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 मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे भाग्य इनका क्या होगा? मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं भाग्य भाग्य भाग बच्चो, मैं करण भाई क्या बात है? मंजू भाई कैसे हो आप? कब आए इधर? अभी अभी आया हूँ। क्या बात है, कैसे हो छोटे? मंजू भाई जरा दो गोनी खा दो। है ना भाई? कितना? 400 रुपए। क्या मंजू भाई 400 ना अभी? क्या अरे कम करके देता हूँ, ले लो। ठीक है ठीक है, चलो दे दो। अरे दे दो और ऑटो में रखो। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे जल्दी जल्दी निकालो। बाकी मंजू भाई कैसे चल रहे सब कुछ? क्या बात है हीरो, इस खाद की गोनी को हमारे गौड़ा के घर में अच्छे से छोड़ के आ जाना। ठीक है बॉस। इसे पहन के जाओ, एक नंबर लग रहा है, चल जा अब। सुनो मंजू भाई, चलो चलता हूँ मैं, चलो चिंगी बाय। अरे सुनिए, लगेज। अरे शाका। हाँ कहाँ से लाए हो, किसने दिए? अरे आप जिसे गोनी में लाने के लिए बोले थे उन्होंने ही भेजा है। पापा। गौड़ा जी पैसा दो। पापा हाँ? शायद भैया आए होंगे। वो कहाँ से आएगा? ये मेरा है। ये तो उन्हीं का ही है। अरे पूरा गांव बोलता रहता है, वो कहाँ से आएगा? चक्का कितना हुआ इसका? पापा भाई ने पैसे इसे दिया होगा, इसे मत दो। अरे तुम चुप रहो, कितना हुआ इसका? 40 रुपए दे दो। 30 रुपए होता है ना? नहीं नहीं 40 हुआ। सर नमस्ते, मैं करण। राजा गौड़ा और माधव गौड़ा का उधार कितना है सर? उधर जमा कर दो। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो कौन है? मुझे पहचाना नहीं, छोटी माँ मैं करण। ओ करण हो, मैं अच्छी हूँ, गाँव का बारे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ, त्योहार शुरू हो गया क्या? अगले हफ्ते है, तुम आ जाओ। हाँ हाँ तुम्हारे चाचा जी आ गए, लो बात कर लो। हाँ देती हूँ, करण है। अरे इस बार मत आना तुम, अगली बार आना तुम, हम यहाँ सब देख लेंगे। चाचा जी मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ और 2 घंटे में मैं वहाँ रहूंगा। वैसे चाचा जी कुछ पिताजी मुझे दीजिए। हेलो भैया कब आ रहे हो? अरे क्या बात है छोटू, मैं बस अभी पहाड़ पे ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा मैं। इतनी देर में
देर क्यों लगा दी? इतने लंबे हो गए हो लेकिन अकल नहीं है। कितना बड़ा बैग है, इसमें क्या है? क्या छोटी माँ, इसे अंदर ले जाओ और मेहमान की खातिरदारी तो करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। जाओ भैया से बातें करो। आओ आओ, अच्छे से खिलाऊंगी तुम्हें मिर्ची। क्या खिलाओगे तुम मुझे? और तुम लोग स्कूल वूल जाते हो कि नहीं, कि बस ऐसी ही मस्ती करते रहते हो? हाँ रोज जाते हैं हम। आप भी ना भाई जंगल की तरह दिख रहे हो। और ये क्या, आप पूरा गांव घूम कर आए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तुम लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे भला? खाना खाने के लिए। अभी तक तुम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। बना खाना तो हम रोज खाते हैं। हमने सोचा था कि बैंगलोर से तुम कुछ लेकर आओगे, तुम तो खाली हाथ आए हो। अरे वो इधर है ना। वो गाय के लिए खाना है चाचा। पर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि आप नहीं समझते। अरे मुझे तो सुनाई दिया कि नो प्रॉब्लम, तो फिर खाने में ये खा लेते हैं। करण बेटा तुम आ तो गए हो लेकिन ये लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे। छोटी माँ पहले मेरी शादी के लिए तो कोई इंतजाम कर दो, इन लोगों के साथ खेल खेल कर मैं भी थक गया हूँ। छोटी माँ आहा क्या टेस्ट है माँ। ओहो जैसे ये खाने के लिए तुम शहर से यहाँ। छोटी माँ ये खाने में जो टेस्ट है ना वो बाहर के खाने में कहा, और जो मेरी सेहत बनी है ना उसमें आपके खाने का ही तो हाथ है। खा लो अभी और भी है। आप और लेकर आइए माँ, मैं और खाऊंगा। माँ इसे भी खाना खाद जैसा लग रहा है, इसलिए ज्यादा ज्यादा खा रहा है। अरे ए, चुपचाप खाना चुप खाओ। आई बड़ी अब क्या होगा, हम लोग तो जीते जी मर गए, ये तो चले गए, पता नहीं क्या होगा।